विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामी या संकेतवाचक विशेषण, उसे हम कहेंगे सार्वनामी या संकेतवाचक। सार्वनामी यानी सर्वनाम, सर्वनाम है उसके जैसा। और दूसरा है संकेतवाचक, यानी कुछ दर्शाता है, कुछ दिखाता है, संकेत दिखाता है। ऐसे जो विशेषण है वो सार्वनामी या संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। यानी जो संज्ञा, जो नाम है उसकी विशेषता में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो सर्वनामी का आधार हो, सर्वनामी यानी सर्वनाम के आधारित होंगे, या संकेतवाचक जो हम उसको संकेत से बता सकते हैं, ऐसे शब्द होंगे। वो सारे शब्द संकेतवाचक विशेषण में आएंगे। सार्वनामी या संकेतवाचक सर्वनाम जब किसी संज्ञा के स्थान पर न आकर बल्कि उससे यानी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों यहाँ शब्दों को खास याद रखिएगा। सार्वनामिक या संकेतवाचक सर्वनाम, नाम की जगह पर जो शब्द आते हैं, जैसे रोहन तो उसकी जगह हम लिखते हैं वो, यह, तो ऐसे जो सर्वनाम वाले शब्द है वो संज्ञा के साथ संज्ञा के स्थान पर न आकर, यानी हम नाम की जगह पर सर्वनाम लिखते हैं, रोहन की जगह पर यह लिखते हैं, तो यह वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम की संज्ञा की जगह पर ही सर्वनाम आता है। तो यहाँ पे दिया गया है संज्ञा के स्थान पर न आकर, यानी सर्वनाम है वो संज्ञा की जगह पर नहीं आएगा बल्कि उससे पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। यानी सर्वनाम संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता दर्शाते हैं। ऐसे ही सर्वनाम को हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। बच्चों इसका मैं सीधा अर्थ आपको दिखाऊं या बताऊं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम नाम की जगह पे सर्वनाम लिखते हैं, लेकिन सर्वनाम नाम के साथ में जो सर्वनाम दिया गया है वो नाम की विशेषता दर्शाता है और वो विशेष विशेषण की तरह बताया गया है, तो वो सर्वनाम विशेषण कहलाएगा। तो ऐसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण जैसे यह, ये, वह, वे, वो और आदि। बच्चों यह, ये, वह, वे और वो ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। पर ये सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ जुड़ के विशेषण का काम करते हैं तब उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। संकेतवाचक यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है संकेतवाचक सर्वनाम। पहले हम सर्वनाम के शब्द देखते हैं, यह मेरा है, तो यहाँ पे यह शब्द है वो सर्वनाम लिया गया, यानी यह है वो सर्वनाम है। दूसरा है संकेतवाचक विशेषण, अब इसी यह को हम विशेषण के साथ देखेंगे। संकेतवाचक विशेषण, यह घर मेरा है, तो यहाँ पे घर हुआ वो संज्ञा हुआ, और संज्ञा के साथ यह वो क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। तो संज्ञा के साथ जो सर्वनाम जुड़ा है वह क्या दर्शाता है, घर, यानी संज्ञा की विशेषता दर्शाता है। तो यह ये शब्द सर्वनाम होते ही सर्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण प्रायः किसी संज्ञा से पहले ही आते है। यहाँ पे हमने देखा यह घर मेरा है, तो यहाँ पे यह घर में घर एक संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले ही सार्वनामिक विशेषण आता है। जैसे वह घर मेरे दोस्त का है, वे लोग बैठ चुके हैं, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पे यह, वे और वह वो सर्वनाम तो है पर वो संज्ञा के साथ जुड़कर क्या कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं, इसीलिए उनको विशेषण के शब्द में प्रयोग किया गया है, इसीलिए उन्हें वह, वे और
विशेषण कहा गया है।